बहुत समय से संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल सात सूक्त मंडल सात सूक्त एक का दसवां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परी हवा महे जनेभ्यः अस्माकम् अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको शॉर्ट में करिए, संक्षेप में करिए, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, एक परमेश्वर ही इबादत के लायक है। ला इलाह इल्लल्लाह। और जो परमेश्वर, जो अल्लाह इबादत करने के लायक है, वो कैसा है? वो निराकार है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग अपनी इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है, क्योंकि वो निराकार है। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 103 में है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यत् चक्षुषा न पश्यति एन चक्षूंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदुदं पास्ते। उसको, किसको? परमेश्वर को, अल्लाह को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि आंखें ही उसकी सहायता से देखती हैं। और जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ये उपनिषद, केनोपनिषद, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। वेद के दो भाग हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है, दूसरे में दिया है कर्म कांड। तो जो वेदों का जो सबसे बड़ा जो आत्मा है वो ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो वेद क्या कह रहे हैं कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं, वो निराकार है। और जो निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसकी मूर्तियां कैसी? दुनिया बनी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना, आसमान और जमीनें बनी, किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। लेकिन बनाने के पहले भी वो मौजूद था। और जब ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये आसमान, ये जमीन, ये आसमान नहीं रहेगा, यानी कियामत आ जाएगी, उसके बाद भी वो अल्लाह रहेगा। तो जब अल्लाह मखलूकात के पैदा होने से पहले भी मौजूद था, क्योंकि उसी ने मखलूकात को पैदा किया, और सबके जाने के बाद भी मौजूद रहेगा, क्योंकि वही कियामत करने वाला है, तो उसके बेटा और बेटी कैसे हो सकता है? कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 101 में है कि वही वो जमीनों और आसमानों का सबसे पहले पैदा करने वाला है, सर्वप्रथम पैदा करने वाला, वो जमीनों और आसमानों का सर्वप्रथम पैदा करने वाला है, उसके कोई बेटा या बेटी कैसे हो सकता है, जबकि उसके बीवी ही नहीं।